नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आज की ताजा व बड़ी खबर, अब पूरे भारत में खुलेगा विद्यालय। 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किए नियम और शर्तें। आइए जानते हैं कि किस नियम और शर्तों के साथ खोल सकते हैं आप स्कूल, भेज सकते हैं अपने बच्चों को स्कूलों में। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को खोलने के लिए जारी किया SOP। ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग की इजाजत जारी रहेगी। स्कूल आकर क्लास अटेंड करना स्वैच्छिक होगा। स्कूलों में छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। स्पोर्ट्स से गतिविधियों को भी नहीं होगी इजाजत। स्कूलों को फिर से खोले जाने से पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज करना होगा। केंद्र सरकार के हूबहू बिहार सरकार ने भी लागू करने की कही है बातें। कोरोना महामारी की वजह से बंद हुए स्कूलों को आंशिक तौर पर खोले जाने को लेकर केंद्र सरकार ने स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जारी कर दिया है। 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए शर्तों के साथ स्कूलों को खोले जाने की इजाजत दी जा चुकी है। हालांकि यह स्वैच्छिक होगा, यानी छात्रों के ऊपर होगा कि वह स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं। इस दौरान छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। फेस कवर, मास्क भी जरूरी होंगे। कंटेनमेंट जोन में स्थित स्कूलों की खोलने की इजाजत नहीं होगी। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए जारी SOP में कहा गया है कि ऑनलाइन डिस्टेंसिंग लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। स्कूल अधिकतम अपने 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और इससे जुड़े दूसरे कामों के लिए बुला सकते हैं। 9वीं से 12वीं तक के छात्र अगर अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए स्कूल जाना चाहते हैं तो उन्हें इसकी इजाजत होगी। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने माता पिता या अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी। छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का रहेगी। लैब से लेकर क्लासेज तक के छात्रों के बैठने की ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि उनके बीच कम से कम 6 फीट की दूरी को बरकरार रखा जाए। छात्रों को इकट्ठा होने यानी असेंबली और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों की मनाही होगी, क्योंकि इससे संक्रमण के फैलने का जोखिम होगा। स्कूलों में स्टेटस हेल्पलाइन नंबरों के अलावा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर भी डिस्प्ले होंगे, ताकि किसी इमरजेंसी की स्थिति में उनसे संपर्क किया जा सके। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले टीचर या कर्मचारियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है। वैसे स्कूल जिनका इस्तेमाल क्वारंटाइन सेंटर के रूप में हुआ था, उन्हें आंशिक तौर पर खोले जाने से पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी स्कूलों को हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से सैनिटाइज करने के निर्देश दिए हैं। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करेंगे, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की खबरों से आप रहें अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।